वार्निंग, इस वीडियो में किसी भी टिकटॉकर को गालियां नहीं पड़ी है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। समझ में आया क्या? समझ में आया। मगज में आया क्या? मगज में आया। याद में आया क्या? याद में। मैं तेरे बाद में आया क्या? चिल्लाने से बनते गाने क्या? गाने क्या? चिल्लाने से बनते शाने क्या? शाने क्या? करके पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या? अरे नहीं नहीं, रुक क्यों गया? अच्छा कर रहा है, करना। पहले पबजी खेल खेल कर थोड़ा पागल था, अब ये टिकटॉक चला चला कर लड़के से लड़की बन जाना, जिसमें पूरा पागल हो जाएगा। सुन, मेरे एक सवाल का जवाब देना। तुम कुछ टिकटॉकर इतना ओवर एक्टिंग क्यों करते हो, और हर बार नाचते नाचते एग्रेसिव होकर वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा करने से टिकटॉक पे फॉलोअर ज्यादा मिलता है क्या? शांत रहकर बिना ओवर एक्टिंग किए भी वीडियो बना सकते हो। भाई, अब हमारे लिए बिल्कुल भी शांत बैठने का वक्त नहीं है। हाँ, तो मोदी जी के कहने पर भी अगर टिकटॉक बनाने के लिए बाहर जाओगे तो पिछवाड़े पे तो टैटू बनेगी ही, तो बैठ कैसे पाओगे? प्रॉब्लम तो होगी। तुम सारे यूट्यूबर मिलकर हम टिकटॉक कम्युनिटी वालों को ट्रोल करते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो, हमारे बारे में बुरा भला बोलते हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था। और वीडियो बनने का जस्ट वेट करो, उसके बाद तुम्हारी जो जलेगी ना, उसके बाद तुम अपना आपा खो बटोगे। आपा, जस्ट वेट एंड वॉच। वेट, सुन बे, सारे यूट्यूबर्स नहीं, सिर्फ रोस्टर तुम्हें रोस्ट कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। अगर तुमने कुछ किया होगा तभी ना वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे हैं। उन्हें क्या, पागल कुत्तों ने काटा है जो तुम लोगों के पीछे लगेंगे? और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है ऐसा जवाब दोगे उनको? रफ्तार के रैप पे लिपसिंग करके वीडियो अपलोड कर दोगे और यूट्यूबर्स को तुम्हारा जवाब मिल जाएगा? अबे ओए, ओवर एक्टिंग की दुकान, थोड़ा ठंड रख, कतई बावला बन रहा है तू। कभी तुम लोगों ने सोचा है, 10-10, 20-20 मिलियन फॉलोअर्स लेकर घूम तो रहे हो, आखिरी बार तुम लोगों ने अपनी वॉइस, अपनी आवाज में वीडियो कब बनाई थी? और तुम्हारी वो वीडियो एकदम से वायरल हो गई हो, और उसी वीडियो पे और सभी लोगों ने वीडियो बनाया हो लिपसिंग करके? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। भाई, दिमाग पे जोर मत डाल, कभी नहीं किया तुम लोगों ने ऐसा। हमेशा छोटे टिकटॉकर्स का ऑडियो उठाया, उस पे लिपसिंग कर दिया और फेमस हो गए। कभी उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, उनको सपोर्ट भी नहीं किया कि वो ग्रो कर सके। तुम्हें नहीं पता, कंटेंट क्रिएटर है हम, कंटेंट क्रिएटर। 4-5 घंटा लगता है हमें एडिटिंग करने में, फट जाती है हमारी, फट जाती है सोचने में, स्क्रिप्टिंग करने में। समझ में आया क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारे और तुम्हारे आमिर भाई के हिसाब से तुम लोग बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हो। एडिटिंग में 4-5 घंटा लगता है और एक दिन में 4-10 वीडियो बनाते हो, और हम लोग क्या करते हैं बकचोदी, जो एक महीना में सिर्फ 3 वीडियो बनाते हैं, 2-3 दिन स्क्रिप्टिंग बनाने में लगाते हैं, 1 और दिन एडिटिंग करने में लगते हैं, तब जाके 4-5 मिनट की वीडियोस आती है। तो चलो, आज पता लगा लिया ही जाए तुम लोग कितने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो। तुम्हारी कुछ वीडियोस देख ली जाए, तुम्हारी क्रिएटिविटी देख ली जाए, और देख ली जाए कि तुम लोग क्या क्या कंटेंट बनाते हो। तो चलो, हाँ चलो ना, और देख लो हमारी कम्युनिटीज के लोगों की वीडियो, कितना मजा आएगा। चलो तो चलो, बिना किसी भांगड़ा के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे लिस्ट में सबसे पहला नंबर है हमारे आमिर, नहीं हमारे नहीं, इसके आमिर भाई। तो ये रहा पहला वीडियो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कंटेंट है, ये आमिर भाई का कंटेंट है, जो चीख चीख कर अपने वीडियोस में कहते हैं हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। बहुत अच्छा किया, एक ट्रिमर को ऐसे ले लिया, लास्ट तक दिखाया भी नहीं, और ये बन गया इनका कंटेंट, और इस पे लाखों व्यूज आ गए। बहुत अच्छा आमिर भाई, बहुत अच्छा। देख लो देख लो देख लो तुम्हारे आमिर भाई, बहुत अच्छा। चलो अगली वीडियो की ओर बढ़ते हैं। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते, मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। क्या बात है आमिर भाई, क्या बात है। मतलब इस वीडियो से आप ये दिखाना चाहते हो कि आप बाहर गए थे, आपको कुछ लोगों ने या किसी ने आपको कुछ बोला यारों के बारे में, तो आपने दिल पे इतना ले लिया कि आपने सीधा वीडियो ही बना डाला। और इस वीडियो से आप क्या दिखाना चाहते हो?
कौन कुत्ते कौन यार, मतलब क्या कुछ भी करोगे कुछ भी? और आप ये बोलते हो कंटेंट क्रिएट करते, ये आपका कंटेंट? और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, कंटेंट क्रिएट करना तब बोलते हैं जब आपकी वीडियो आपके वॉइस में होती है। इसमें तो आपकी वॉइस है ही नहीं, आपने तो ये वीडियो किसी और से ढापा हुआ है, तो ये आपका कंटेंट कैसे हुआ? सो गाइस, अब हमारे लिस्ट के दूसरे पायदान पे है अदनान 07। तो कंप्यूटर जी, इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। किसी गरीब को राशन देने जाओ तो अपना कैमरा घर छोड़ के जाना, अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। तो इस वीडियो को देखकर आप भी बोलोगे कि इसमें क्या था, सब अच्छा तो था, इस पे बोलने की क्या जरूरत है। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत खराब था, बहुत बेकार था, लेकिन आपको पता होगा अदनान 07 जो बहुत ज्यादा फेमस, ये काम इतना ही अच्छा था, ये वीडियो इतना ही अच्छा लग रहा है, तो क्या इसे खुद के वॉइस पे भरोसा नहीं है कि अगर मैं अपने वॉइस में ये वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो नहीं चलेगी? अब बताओ, अब ज़्यादा बोलूँगा और ज़्यादा यूट्यूबर बोलेंगे तो बोलोगे नहीं भाई, तुम लोग तो मतलब कि हमें ट्रोल करते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो। कंटेंट कहाँ है कंटेंट? जो हमेशा बोलते फिरते हो ना कि कंटेंट नहीं, कंटेंट है, ये कंटेंट है, तुम लोग क्या जानो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। कंटेंट कहाँ है मेरे भाई, ये किसी और का है। अब इसके फॉलोअर लगभग 1 मिलियन हो चुके हैं, आप अभी तक किसी और का ढेप रहे हो, दूसरा कॉपी कर रहे हो, और आपको बोलने से आप बोलते हो हमें बोला जा रहा है। सो गाइस, अब हमारे लिस्ट के तीसरे पायदान पे है Riaz.14। तो कंप्यूटर जी, इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब बोलो क्या था, अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे, बोलते हो मतलब। अब इसके प्रोफाइल जाकर देखो, 37 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, ये बंदा अभी तक ये बना रहा है। अपने वीडियो में कब बनाओगे तुम लोग यार, कब बनाओगे? और सबसे बड़ी बात है, मैं सारे टिकटॉकर्स को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गिने चुने को बोल रहा हूँ जिनको ज़्यादा रिप्लाई करने का बहुत शौक है, उनमें से ये भी है। आपके टिकटॉक वीडियो में क्या होता है, रहते तो आप हो लेकिन आपकी आवाज़ नहीं होती है, किसी और की आवाज़ चेपी हुई रहती है, लेकिन उस बंदे को तो उसको आप क्रेडिट देते नहीं हो ना, उसे आप ग्रो करते ना उसका आप नाम लेते हो, आप फेमस होते जा रहे हो। अब बोलो, अब बोलूंगा नहीं तो इसमें क्या था, इस वीडियो में क्या था मुझे बताओ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के चौथे और आखिरी पायदान पे है ब्यूटी खान, जिनके फॉलोअर्स हैं, प्रमोशन करने थोड़ी बैठा हूं, जाके देख लो, कंटेंट बोलते ना, आओ इनके कंटेंट पे थोड़ा नजर डालते हैं। कंप्यूटर जी स्टार्ट कीजिए। तो बताओ 1857 में क्या हुआ था? मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। सही था, ये था कंटेंट। हाँ, इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी ऐसा कंटेंट आ रहा है, मतलब कि 1947 का जोक है जो अभी तक चल रहा है टिकटॉक में, और हमें बोलते हैं कि हम 1 महीने में 3 वीडियो बनाते हैं, और ये टिकटॉकर जो गिने चुने जो टिकटॉकर्स हैं जिनकी मुंह बहुत ज़्यादा चल रही है, ये लोग 1 दिन में 10 वीडियो बनाते हैं। अरे भाई, ऐसे वीडियोस बनाओगे ना 1 दिन में, हम यूट्यूबर अगर ऐसे वीडियो बनाने पे बैठ गए ना, 1 दिन में 100 वीडियो बना डालेंगे अगर ऐसा वीडियो बनाना है तो। अरे भाई, सिंपल सी बात है, तुम लोग कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं हो, तुम लोग हो लिप सिंकर और ट्रेंड फॉलोअर। मतलब मार्केट में कोई नया गाना आया, कोई मूवी का नया डायलॉग आया, एक इंसान ने बनाना वो स्टार्ट किया, तो तुम लोग सब भीड़ में इकट्ठे होकर चले जाते हो। और कंटेंट क्रिएटर का मतलब होता है वो क्रिएटर, वो इंसान जो अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाता है, कुछ नया लिखता है, कुछ नया बनाता है, इसे बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। तुम लोगों का कुछ ओरिजिनल है ही नहीं, आगे आने के टाइम में क्या, इसी तरह गाने निकलते रहेंगे, इसी तरह तुम लोग बनाते रहोगे और तुम्हारी भीड़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। मुझे पता है, मैं भी टिकटॉक देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, किसी ना किसी फील्ड से, कोई डांसिंग फील्ड से। मैं सबसे बड़ा फैन हूँ बाबा जैक्सन का, उसका सब ओरिजिनल रहता है मेरे भाई, उसका अपना कॉन्टेंट रहता है, वो मतलब दूर जाएगा, वो बंदा बहुत दूर तक जाएगा, और उसके जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं। मैं क्रिएटर बोलता हूँ, है टिकटॉक पे क्रिएटर, लेकिन तुम लोग नहीं हो मेरे भाई। जब तक अपना ओरिजिनल नहीं लाओगे, इसी तरह बोलते रहोगे, क्रिंच करते हो तुम लोग, हम लोगों को ट्रोल करते हो, मजाक करते हो, ये बोलते हो, ठीक है, जब तक ये बेहुदा वाली हरकत करते रहोगे, इसी तरह कोई आके तुम्हें काट जाएगा। और देखो भाई, आमिर सिद्दीकी ने अपने वीडियो में बोला था कि सारे यूट्यूबर्स हमारे अपने वीडियोज़ को लेकर क्रिंच करते। देखो भाई, क्रिंच तुम किसी का वीडियो उठा के ढापोगे, किसी पुराने अपने 1947 का जोक्स अभी क्रैक करोगे, तो सिंपल सी बात है, बिना हाथ पैर सर वाली वीडियो बनाओगे
तो उस पर तो लोग क्रिंज करेंगे ही, रोस्ट करेंगे ही, तुम्हें ट्रोल करेंगे ही। आई होप आप लोगों को पता चली गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स। और हाँ, मैंने बार बार इस वीडियो में बोला है, मैं सारे टिकटॉकर्स को नहीं बोल रहा हूँ, जो अपना कंटेंट बनाते हैं, जो मतलब कि लिपसिंग भी करते हैं, मतलब का वीडियो बनाते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो बेफालतू घटिया वीडियो बनाते हैं उनको बोल रहा हूँ। देखो भाई लोग, ये यूट्यूब के रोस्टर्स हमारा कितना भी पोल खोल कर दे, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले हैं, हम इनको कड़ा जवाब देंगे। अरे हाँ, मेरी टिकटॉक की वो जवाब देने वाली वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, शाम तक मेरी टिकटॉक का वीडियो आ जाएगी। ठीक है, बाय 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 बाय। कहाँ से आते हैं?